हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। आज के इस वीडियो में हम प्राइस मास्किंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत में सिर्फ हमने प्राइस के ऊपर फोकस किया है एंड उसके बाद में इस स्ट्रेटजी के अंदर वॉल्यूम का क्या रोल प्ले होगा, किस तरह से हमें वॉल्यूम के स्ट्रक्चर्स को फाइंड करना है, उसको एनालाइज करना है, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। शुरुआत में हम ड्रॉइंग्स के थ्रू समझा रहे हैं और उसके बाद में चार्ट्स के ऊपर इसका एग्जाम्पल दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आप कुछ सीखते हो, कुछ समझ में आते हैं, तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। मास्किंग ऑफ प्राइस, ध्यान से सुनिएगा जो भी डिस्कशन अभी हम करेंगे। मास्किंग ऑफ प्राइस ये होता क्या है एक्चुअली, जब भी हम देखते हैं कि प्राइजेस में किसी एक लेवल पर आने के बाद में, या फिर आप उसको देखोगे कि एक ये कैंडल हमारी बनती है, उसके बाद में अंदर से ही एक और भी कैंडल बनी हमारी, प्राइस को मास्क कर लिया गया, पूरी तरह से इंगल्फ कर दिया गया। इस एक चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश, मास्किंग ऑफ प्राइस असल में ये एक प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि अगर हमें मास्किंग ऑफ प्राइस एक्शन इस वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझना तो कौन कौन से पार्ट्स में हम समझेंगे। रीजन क्या है कि पहले ही दिन हम आपको इस प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले तो इसको समझिएगा। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें हैं आगे, जब हम किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, किसी भी तरह के, इन द सेंस कि जरूरी नहीं है स्टॉक्स में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ऑप्शंस में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में, आप करेंसी में ट्रेड करो, एनसेक्स में ट्रेड करो, फॉरेक्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करो। इसलिए हमने कहा कि हम लोग किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट करें, सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख करके बाय और रेड कैंडल को देख करके सेलिंग नहीं करनी होती। बहुत सारा होमवर्क होता है जो कि एक ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले एक ट्रेडर को देखना चाहिए, या यूं कहें कि एक ट्रेडर को नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह के सिस्टम्स के थ्रू आगे काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके साथ एक शब्द जुड़ जाएगा, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रोफेशनल वर्ड को भी काफी ज्यादा मॉडिफाई किया गया। प्रोफेशनल का मतलब वो कि जो पैसे बनाता हो, पैसे लेकर के जो काम करता है उसको प्रोफेशनल करते हैं। एक्चुअली प्रोफेशनल का मतलब होता है कि अपने काम को परफेक्ट करने में जो माहिर होता है, या अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश जो कर रहा होता है, उसको प्रोफेशनल बोला जाता है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि अपने काम को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक सिस्टम के थ्रू अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, बेरिश देख करके शॉर्ट सेलिंग का मन बना लिया, बुलिश देख करके बाइंग का व्यू बना लिया। हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो एक तरीका होगा, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइम फ्रेम। कैंडल्स देखेंगे, पूरी एक कैंडल्स की ग्रुपिंग होती है, जो ग्रुपिंग हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। एंट्री द सेंस कि किस पॉइंट से आप लोग अपना व्यू बना सकते हो कि इस स्टॉक को अगर हम अप के लिए देख रहे हैं, डाउन के लिए देख रहे हैं, कैसे क्या देखना होगा। एक तो होगा सिस्टमेटिक वे में, सिस्टम इन द सेंस कि रूल है, फिक्स्ड है। और एक तरीका होता है कि हमारा रूल फिक्स नहीं है इसमें। अच्छा, फिक्स्ड में और नॉन फिक्स्ड में अंतर क्या होगा दोनों में? उनको अलग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अलग नहीं करते तो क्या काम नहीं चलता? छोटे छोटे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि दोनों में फर्क पैदा कर देते हैं। जैसे सिस्टमेटिक वे में होगा क्या, जब हम लोग रूल फिक्स्ड कर देने की बात करते हैं, तो उसमें रूल इसलिए फिक्स करते हैं क्योंकि जो चीज हमने मार्केट स्टार्ट होने से पहले डिसाइड कर लिए, या फिर इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने से पहले डिसाइड कर लिए, हम वही करेंगे। अब ये जो नॉट फिक्स्ड सिस्टम है, ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहां पर प्री डिफाइंड हमारे लेवल्स होंगे, यहां पर मेरे एंट्रीज के लेवल्स होंगे, यहां पर मेरे सपोर्ट, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मेरे फिक्स्ड हैं, ये नॉन फिक्स्ड हैं। अच्छा, इनको नॉट फिक्स्ड में क्या होगा? ना तो यहां पर मेरा एंट्री फिक्स्ड होगी, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। प्री डिफाइंड लेवल नहीं होंगे, एंट्री फिक्स्ड नहीं होगी और सपोर्ट लेवल्स फिक्स्ड नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये फिक्स्ड सिस्टम्स नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हम इसके ऊपर काम करेंगे? इसके बावजूद भी हम उन्हीं सिस्टम के ऊपर काम करेंगे जो कि अभी शुरुआत करने से पहले हमने बोला, प्रोफेशनली परफेक्ट तरीके से जो हम काम कर सकते हैं वही करेंगे, जिसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की, इसमें टाइम फ्रेम मेरा क्या होगा। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि कुछ भी किसी भी स्टडीज के ऊपर हम लोग आगे भी जो काम करेंगे पूरा का पूरा फिक्स्ड नियम के अकॉर्डिंग होगा, नॉट फिक्स्ड कुछ नहीं होगा। लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर डेली पर नहीं जाएंगे, 1 आवर पर ही रहेंगे। शुरुआत कैसे होगी, ग्रुपिंग, ये सिस्टम हमको नजर कैसे आएगा। अब यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, फॉर्मेशन को समझिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट कैंडल, तो सबसे पहली कैंडल हमारी है, बियरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है। इसके बाद में सेकंड कैंडल आती है। अच्छा, सेकंड कैंडल की डिमांड सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि वो या बुलिश हो या बियरिश हो, मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं, बस वो एक बेबी कैंडल होगी हमारी, छोटी सी कैंडल।
मदर कैंडल बन गई ना इन साइड बार, छोटी सी कैंडल हो, छोटी इन द सेंस कि प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई और उसके लो के अंदर ही ये कैंडल होगी, सेकंड कैंडल होगी, लिख देते हैं। थर्ड कैंडल कौन सी होती है, इसके बाद में हमें ये देखना है कि ये जो थर्ड वाली हमारी कैंडल है, इस थर्ड कैंडल का काम सिर्फ इतना होता है कि हमारी इस बेबी कैंडल को मास्क कर ले पूरी तरह से, मास्क इन द सेंस कि छुपा ले पूरी तरह से, हाइड इंगल्फ कर ले। यहाँ पर एक चीज देखी हमने, क्या बोला कि सेकंड कैंडल को हाइड कर ले ना कि फर्स्ट कैंडल को, इंपॉर्टेंट क्या है सेकंड वाली कैंडल मेरी। अब सेकंड वाली कैंडल की जो रेंज है ये मेरी मास्क होगी और वही इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट कैंडल अगर नहीं होती जाने दीजिए वो चलेगा, एक तो ये फॉर्मेशन हो गई। अब आती है हमारी सेकंड फॉर्मेशन, ये वाली जो फॉर्मेशन हमारी बनी है ये एक आइडियल कंडीशन है, मतलब अगर इस तरह से आपको मार्किंग्स मिल जाती, इस तरह की अगर कैंडल्स मिल जाती बॉडी लैंग्वेज तो सबसे सही है, अच्छा रहेगा, आइडियल है ये। लेकिन अब जो सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, फर्स्ट कैंडल जैसे यहाँ पर हमने बेरिश बनाई थी, चलिए अब बना देते हैं हम लोग बुलिश शेप। सेकंड कैंडल दो कैंडल्स मेरी फिक्स रहेंगे, ये तो ऐसे ही बनेंगे आपके। अब मास्किंग की बात आती है, रूल नंबर वन कि हमारी फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और लो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, सेकंड फॉर्मेशन हो या फर्स्ट फॉर्मेशन हो, हमारी सेकंड वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होगा तभी हमारी ये छोटी सी कैंडल होगी। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि थर्ड कैंडल ने ही आपका हाई और लो ब्रेक कर दिया था, सेकंड वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, जरूरी नहीं है कि थर्ड कैंडल आपकी सेकंड वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर दे, लेकिन फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कब तक ब्रेक नहीं होना चाहिए, जब तक मेरी मास्किंग कंप्लीट ना हो जाए। समझ पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, इजी करते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए एक ये कैंडल फॉर्म हो गई, मास्किंग नहीं बनने तक हमारी फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि थर्ड कैंडल मेरी फॉर्म हो गई, वो मास्क नहीं कर पाई पूरी तरह से, और मास्किंग से पहले ही हमारी फर्स्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इनवैलिड, हटाइए छोड़िए, प्राइस ने ब्रेकआउट मार दिया है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर प्राइस बाहर नहीं निकला है मेरा, मतलब हमारी रेंज के अंदर ही है, रेंज के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर मास्किंग फिर नहीं कर पाई मार्केट, और वो इस तरह से जाकर के क्लोज हुई है। लेकिन अब अगली जो कैंडल हमारी फॉर्म हो रही, जो अगली कैंडल हमारी बन रही है, वो इस वाली कैंडल को पूरी तरह से मास्क कर रही है। फर्क समझ में आया, यहाँ पर देखिए सेकंड कैंडल का ही हाई और लो ब्रेक हो गया, बट फर्स्ट कैंडल का हाई और लो नहीं ब्रेक होने तक यहाँ पर सेकंड कैंडल का भी को भी मास्क नहीं किया गया, थर्ड कैंडल को भी मास्क नहीं किया गया, फोर्थ कैंडल को भी मास्क नहीं किया गया। हाँ, फोर्थ कैंडल की मास्किंग हमारी फिफ्थ कैंडल ने कर ली, ये समझ में आया, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं इसको, फोर्थ कैंडल को मास्क कर दिया, फोर्थ कैंडल को फिफ्थ कैंडल ने मास्क किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए, ये समझ में आया। एक ये, अब इसके साथ ही साथ फोर्थ कैंडल को मास्क तो चलिए कर लिया गया है, बट फोर्थ कैंडल की मास्किंग जरूरी नहीं है कि मास्क करने वाली कैंडल भी हमारी फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही रहे। जिस कैंडल को मास्क किया जाना है वो कैंडल मेरी हमारी रेंज के अंदर रहेगी, और जो कैंडल हमारी मास्किंग कर रही है वो हमारी कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर सकता है, हाई ब्रेक हो गया लो ब्रेक हो सकता है, हम उसको लेकर के चलेंगे। इस पूरी फॉर्मेशन को आपको देखना है, मतलब चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर कैंडल्स के ग्रुप कितने हुए, हो सकता है कि तीन कैंडल्स में ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तीन कैंडल्स में ही सारा काम हो जाए, या हो सकता है पांच या छह कैंडल्स में काम हो। फॉर्मेशंस के तौर पर हमें सबसे अभी जो हमने देखा कि फर्स्ट वाली कैंडल हो गई और फर्स्ट वाली कैंडल का लो हो गया, इसके बाद में अंदर हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए कि जिसको कोई एक कैंडल मास्क कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल और सेकंड फर्स्ट वाली कैंडल जो होगी हम उसका हाई और लो मार्क करेंगे, ये दो कैंडल्स हमने हाई और लो में मार्क कर लिया पूरी तरह से। होगा क्या ना कि प्राइजेस को बहुत मुश्किल होती है, या फिर अगर ये बुलिश कैंडल है, देखा ही जाता है कि अगर बेरिश कैंडल है तो यहाँ पर हम लोग जो अपना व्यू बना करके चलते हैं कि प्राइस हमारा ये अप साइड में ट्रेवल करेगा ना, ऊपर की दिशा में निकलते हो तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं, या फिर अगर ये बुलिश कैंडल, हमारी फर्स्ट कैंडल मेरी बुलिश कैंडल है तो प्राइस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखते हैं, लोज से सेलिंग ही देखेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है। लेकिन देखा ही जाता है ना कि जब ये फॉर्मेशन फॉर्म होती है तो प्राइस किसी भी दिशा में पलट जाता है, वो नीचे भी निकल सकता है और वो ऊपर भी निकल सकता है, तो हम लोग अपने आप को बांधेंगे नहीं, लेकिन ये चीज क्लियर है इनसाइड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे आया और हम यहां से बाइंग और अप में जा रहे हैं, अप और डाउन दोनों ही दिशाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए और लो मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, हम इस पूरी फॉर्मेशन को फिक्स कर देंगे, इसी पिक्चर बन गई दिमाग में। अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर,
और चार्ट पर इस छोटी चीज को देखने की कोशिश करेंगे, टाइम फ्रेम 1 आवर का, और जब हमें लोअर पर जरूरत पड़ेगी तो हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम करेंगे। आपको याद होगा आज हमने एक चार्ट दिया था कोटक का, और इसको लिख दिया था कि आपको सेल ही करना, मतलब सेलिंग का अपना व्यू बना करके चलना, सेल कर देना अगर हो सके तो। तो देखिए क्या हुआ इसके अंदर, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी, इसको देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 1714 रुपए का ये लेवल था, 1714 रुपए का ये लेवल हमने मार्क करके दिया कि यहाँ से अगर प्राइस आपको मिलता तो आप शॉर्ट कर देना। इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, देखिए 1 आवर का ये टाइम फ्रेम, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है, और बियरिश कैंडल के बाद में ये एक छोटी सी कैंडल मदर कैंडल, और उसके बाद में प्राइस ने पूरी तरह से यहाँ पर मास्क कर लिया, हाईज और लोज मास्क हो गया ना प्राइस। मेरी ये फॉर्मेशन बन गई कंप्लीट, कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है। हमें क्या करना है कि प्राइस जब अपनी इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम इसके अंदर अपना एक व्यू बनाएंगे छोटा सा कि प्राइस को हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो, बट प्राइस आज उसी रेंज से ऊपर चला गया, वो नीचे नहीं निकला, ये है ना हाईज लोज हाईज लोज उसी रेंज पर लगते रहे, प्राइस नीचे आया तो यहाँ सीधे बाउंस हो गया। अच्छा ये नहीं करना है कि प्राइस आया नीचे क्लोज कर दिया और आपने मार दिया, ये सब नहीं करना, कब ट्रेड करना है क्या नहीं करना है सारी चीजें हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जगह यही रहेगी ट्रेड करने की। आगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एंट्री लेने से पहले क्या क्या देखना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया यहाँ पर कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है क्लोज कर दिया चलो शॉर्ट मार देते हैं, ये नहीं करना है। प्राइस निकलेगा बहुत बार होता है ना, ये देखिए यहाँ भी प्राइस निकला और ऊपर चला गया, यहाँ भी प्राइस निकला हमारा ऊपर चला गया। एक एक्टिविटी है कॉमन जो कि इन सभी में बराबर है, प्राइस जब रेंजेस को ब्रेकआउट देगा तभी हम ट्रेड करेंगे, वो रेंजेस वगैरह क्या होती है कैसी फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर, ये रेंज मेरी क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइस यहीं से मेरा बार बार क्यों अपसाइड की तरफ बाउंस हुआ था, इस रेंज से ही क्यों मेरा प्राइस अपसाइड की तरफ बाउंस हुआ था, अगर रेंज नीचे की तरफ टूटती तो आपको शॉर्ट करना होगा, और यही रेंज सेम अगर अपसाइड की तरफ जाती तो आप यहाँ से बाय करोगे 5 मिनट्स पर, फिर से 1 आवर पर देखो एक ये कैंडल, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पर एक बेबी कैंडल फॉर्म की और बाद में मास्क कर लिया गया पूरी तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स के क्या रोल प्ले होंगे, ये है अब वॉल्यूम्स देख लीजिए कि वॉल्यूम्स को किस तरह से रखते हैं। जो मेरी मास्क करने वाली कैंडल होती है, जो कैंडल मेरी मास्क करेगी, सिर्फ एक ही नियम है कि उस कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। अगर मिलती है, अगर उस कैंडल की वॉल्यूम आपको ज्यादा मिल जाती तो यह बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, मतलब वहां पर एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वो कन्फर्म्ड है कि जिस कैंडल ने मेरा मास्किंग की है उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा है, जैसे ये एक कैंडल है, उसके बाद में एक बेबी कैंडल ये बन गई, और फिर प्राइस ने इंगल कर किस कैंडल से, जिस कैंडल को मास्क किया जा रहा है उस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए मास्क कर रही कैंडल में। ये एक कैंडल बन गई हमारी, एक ये कैंडल, अब इसकी कैंडल देखिए वॉल्यूम कम होगी और वॉल्यूम ज्यादा किसकी होगी, जो कैंडल मेरी मास्क कर रही होगी, जो बेबी कैंडल को पूरी तरह से मास्क करेगी उसकी वॉल्यूम बस ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहली कैंडल होने दीजिए, वॉल्यूम ज्यादा होने दीजिए, जितनी वॉल्यूम है होने दीजिए, ये छोटी वाली कैंडल इसकी भी वॉल्यूम कितनी भी हो चलेगी, बट ज्यादा का मतलब ये होगा कि जो कैंडल मेरी मास्क कर रही होगी, ये वॉल्यूम्स के रोल होते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले चार्ट पर देखिए, चार्ट पर हम लोग समझते हैं ना, उसके बाद में इसके पीछे की साइकोलॉजी को पकड़ेंगे, इन पूरी फॉर्मेशन की इसकी क्या साइकोलॉजी बनती है, क्यों इस फॉर्मेशन को ही देखना है, या किस तरह से इस फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है, क्या लॉजिक क्या बनता है इसका, उठा करके किसी भी चार्ट में हम लोग देखेंगे, बस हमारे रूल्स वो स्टॉक फॉलो कर, मेरे से रूल फॉलो होने चाहिए। यहाँ पर एक ये कैंडल मेरी बनी है 1 2, ये देखें ये एक बड़ी सी कैंडल है, उसके बाद में ये छोटी सी कैंडल है, और ये मेरी मास्क कर रही कैंडल है, इसने अपनी बेबी कैंडल को मास्क कर लिया पूरी तरह से, और इसकी वॉल्यूम भी देखिए ज्यादा है अपनी प्रीवियस कैंडल से। फॉर्मेशन कंप्लीट, अब लो मेरा सपोर्ट और हाई एक रेजिस्टेंस बनेगा प्राइसेस के नीचे, जब प्राइस हमारा अपनी इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ेगा हम तभी इसके अंदर अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का, सेलिंग का व्यू बनेगा 3740.05, यहां पर आकर के आपको कंफर्मेशन अपनी लेनी है, और तो आप देखोगे कि रेंज को देखिए किस तरह से ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ गिरा है, और ये सिर्फ अभी का ही ये रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है, जब इसको और लेकर के जाओगे आगे की तरफ देखिए यहाँ से भी मार्केट ने कुछ इस रेंज पर आ रहा है और गिर रहा है नीचे, गिर रहा है यहाँ गिर रहा है। कोई भी रेंज अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जब अभी हम अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी काम कर रहे हैं तो पीछे काम नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उसने रेजिस्टेंस की तरफ वर्क किया होगा या सपोर्ट की तरफ वर्क किया होगा। काफी बड़ा ये चैप्टर है, मतलब जो डाटा अभी हम मार्क कर रहे हैं, जो डाटा अभी हम रीड कर रहे हैं, पहले उस डाटा में किस तरह का लॉजिक बन रहा था, या पहले उस डाटा ने किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया था,
फिर कभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि समय इसमें ज्यादा चाहिए। दो स्टॉक्स हम लोगों ने देखे, एलटी नहीं, या एलटी भी देख सकते हैं, ये 21 तारीख का चार्ट है ना, किस अच्छा 21 में देखिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहां पर देखिए लो ये कैंडल हो गई और ये मेरी बेबी कैंडल और यहां पर मास्किंग की गई है। 21st की कैंडल से मास्किंग हुई है पूरी तरह से, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज है अपनी इस वाली कैंडल से, वॉल्यूम इंक्रीज्ड है। व्यू अपनी रेंज के नीचे हमें सिर्फ इसके अंदर शॉर्ट का व्यू देखना था, देख रहे एलटी ने किया क्या है, उस मार्केट तो क्लोज हो गई थी लेकिन नेक्स्ट जो ओपन हुई है तो कितने ज्यादा गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी इसने, यहां से लेकर के सीधे देखिए 2% से ज्यादा इसने गैप डाउन दे दिया और उसके बाद में फिर मार्केट सीधे नीचे ही गिरी है, वो फिर वो ऊपर नहीं गई, फॉर्मेशन के फॉर्म होने के बाद में फिर वो नीचे। सबसे देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी ये फॉर्मेशन, अब इस फॉर्मेशन के पीछे के लॉजिक्स क्या बनते हैं, अभी रीजन कीजिए आप सभी लोग, फिर उसके पीछे चलते हैं क्यों इस फॉर्मेशन को इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है। वॉल्यूम्स का जरूर इसमें एक खास ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम्स जो हमारी बन रही है इसमें, फर्स्ट वाली कैंडल जो हमारी मास्टर कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो है, होने दीजिए वॉल्यूम जो भी हो रही है, और उसके बाद में मान लीजिए प्राइस हमारा ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, मास्क नहीं कर पा रहा है किसी कैंडल को, टाइम लग रहा है उसको, 2, 3, 4, 5 कैंडल फॉर्म हो गई है ना, तब हमको क्या करना होगा कि जो भी कैंडल हमारी मास्क कंप्लीट करेगी उसका बस उसकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो लास्ट कैंडल है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए अपनी प्रीवियस कैंडल से। ये वॉल्यूम्स होती हैं, मतलब वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट पर्टिकुलर उस कैंडल के अंदर आते हुए दिखाई पड़ने चाहिए। सभी लोग रीजन कीजिए, एक सेशन हम लोग और लेते हैं। अब दूसरा कोई स्टॉक जिंदल स्टील, 1 आवर टाइम फ्रेम, डेट 22nd मार्च, 1:15 की कैंडल है। यहाँ पर देखिए जो सेकंड फॉर्मेशन हम लोगों ने ड्रॉ की थी उसका ये काफी अच्छा एग्जांपल है। फर्स्ट कैंडल अभी मदर कैंडल बन गई, इसके बाद में देखिए ये सेकंड कैंडल हमारी बनी, थर्ड कैंडल ने क्या किया है कि मेरी सेकंड वाली कैंडल के हाई और लोज को ब्रेक नहीं किया है, वो खुद में एक मदर कैंडल बन गई इस तरह से, जान दीजिए। यहाँ पर जो मास्किंग की है कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, अगले दिन गैप अप ओपन होकर के और ये नीचे चली गई, यहाँ पर मास्किंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब क्या हो सकता है अगली बार कि ये जो रेंज है इस कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद में ये जो पॉइंट है मेरा अपर रेंज 494.60 एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और जो लोज है 488.80 ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और ऊपर की रेंज एक रेजिस्टेंस और नीचे की रेंज एक सपोर्ट। कितनी भी एक्टिविटी हमको करनी है, कोई भी रेंज हो, आपको बाई करना है, सेलिंग करना, कोई भी आपका व्यू हो, बस आपका इस रेंज से होना चाहिए। इन बिटवीन जो मना करते हैं ना कि इन बिटवीन ट्रेड नहीं करना, एक फिक्स कर लेना अपनी जगह, वो ये लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स के पास में देखिए इसी रेंज से फिर प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकल गया, सेम रेंज से यहीं से सपोर्ट लिया इसने और फिर ये ऊपर निकल गया। HDFC है, कोई रनिंग चार्ट लेते हैं चलेंगे, लेकिन अगर रनिंग चार्ट में बस ये है कि एग्जाम्पल ढूंढने में समय लगता है बहुत। क्रिप्टो हो गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अब यहाँ पर मास्किंग फाइंड करनी है, ये कैंडल हमारी है, इसके अंदर देखिए किसने भी मास्क नहीं किया, प्राइस ऊपर निकल गया है, फिर अगेन ये बना, यहाँ पर भी मास्किंग नहीं हुई, इसका हुआ है क्या, ये एक तरह से बोल सकते हैं मास्किंग है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, देख रहे हैं कम है बट रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा 1:30 की कैंडल का जो लो है वो कितना है, 7075, और यहाँ का जो लो है वो 706 है, 707 है उसका, 706 है, ये ज्यादा है। एक ये मदर कैंडल इनसाइड बार और उसके बाद में मास्किंग, मास्किंग के बाद से फर्स्ट कैंडल का जो हमारा लो और हाई है यही इंपॉर्टेंट होगा, यही कैंडल मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी, हाई रेजिस्टेंस लो सपोर्ट, ब्रेकआउट के बाद ही अपसाइड। और कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखें बिनांस का ये चार्ट, ये हमने पहली बार देखा है चार्ट, कितने रुपए का स्टॉक के प्राइस है, GMT USDT ओपन इंटरेस्ट बिनांस ट्रेडिंग व्यू, और क्या क्या कैसे कैसे तो चार्ट है, ये कुछ और है, ये प्राइस व्राइज नहीं है, पता नहीं क्या है और वो रुपए में प्राइस दिख रहा है यहाँ पर, ये ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं क्या क्या हो सकता है। ये वॉरेन बफे का जो स्टॉक है अपना, वही हमको मालूम है कि काफी महंगा स्टॉक है, छोड़िए अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं फिलहाल, इस पर तो नहीं,
जीपी यूएसडीटी में बिनांस का चार्ट हम लोग टेथरस कर लेते हैं। चलिए इसका ले लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन फाइंड करनी है हमको। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। मास्किंग ही नहीं, मास्किंग नहीं है। आरटीसी देखते हैं अखिलेश, एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं। रनिंग हम देखना चाहते हैं, अगर रनिंग में मिलता तो ज्यादा सही है ना। ये देखिए मिला, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। ये मेरी बीबी कैंडल और इसके बाद में अगेन ये, ओ नहीं, ये वैलिड नहीं है। हमारी ये जो कैंडल है जो मास्क की जा रही है, ये हमारी फर्स्ट वाली कैंडल के हाई और लो के अंदर ही होना चाहिए। ये देखिए ब्रेक कर गई इसको, ये वैलिड नहीं है। अब रनिंग में अगर ढूंढेंगे तो हमको लाना बहुत देर हो जाएगी। चलिए दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1:15 की कैंडल और उसके बाद में ये हो गया लो अपना। एक ये कैंडल अपनी ग्रीन कैंडल और एक ये मदर कैंडल बन गई। छोटी सी ये कैंडल आई है और इसके बाद में इस कैंडल ने क्या किया है, पूरी तरह से मास्क किया है 9:15 कैंडल ने। और इसकी वॉल्यूम भी ज्यादा अपनी लास्ट वाली कैंडल से। 3:15 की कैंडल ने इसको 9:15 की जो कैंडल पूरी तरह से मास्क किया है। अब सेम लेवल आपका सपोर्ट, अपर रेंज, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्किंग कंप्लीट। प्राइस भी देखिए काफी अच्छी तरह से रिएक्ट कर रहा उस लेवल पर, हमने मार्क कर लिया इसको। अब जो भी एक्टिविटी हमें करनी है, जितनी भी एक्टिविटी सारी की सारी स्ट्रेंथ से किस तरह से वर्क किया है, पूरी तरह से आईटीसी अभी उस लेवल से तो ऊपर ही है फिलहाल, समझ में आ रहा है। इस तरह से लेवल्स काउंट करेंगे। अब बात आती है कि फॉर्मेशन हो गया, टाइम फ्रेम हो गया, अब इसके ऊपर क्या प्रैक्टिस क्या करनी है, किस तरह से वर्क करना है। एक फॉर्मेशन है, बोला जाता है मार्केट में 100 में से 10 बार ही वो फॉर्मेशन बनती है, अदरवाइज काफी रेयर फॉर्मेशन होती है, जो कि अभी हमने आपको बताया। मास्किंग, मास्किंग आप देखोगे एक ये कैंडल हमारी, अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एक ये कैंडल और उसके बाद में ये वाली इंगल्फ कर लेना, प्राइस को पूरी तरह से जैम करना, पैक करना, मास्क कर लेना पूरी प्रीवियस कैंडल हमारी इस रेंज के अंदर। उसके बाद में प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, एक तरह से इसको कैंडल की जो वोलेटिलिटी है ये इतनी ज्यादा है कि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया है और प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है। अगर प्राइस किसी कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है तब उसका लो ब्रेक नहीं होगा, और अगर प्राइस हमारा लो ब्रेक कर रहा है तो उसका हाई ब्रेक नहीं होगा। और अगर यही काम हमारा वॉल्यूम्स के साथ मार्केट करती है तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन आपको यहाँ पर मार्केट दिखाना चाहती है, उसका यूज हमें करना है इस फॉर्मेशन के आधार पर। अगर वॉल्यूम्स हमारी इंक्रीज हो रही है, छोटी सी चीजें, हम लोग ऐसी फॉर्मेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्केट में बहुत कम बनती है, बहुत रेयरली या काफी समय के बाद ऐसी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर मिलती है तो वो एक तरह से सिग्निफिकेशन होता है, और अगर वॉल्यूम्स के साथ बनती है तो हो गया, हमें अब नहीं चाहिए कुछ। आप देखो कोई भी चार्ट ओपन कर लो, आईटीसी है, आईटीसी को या फिर काम हम लोग काम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, देख लेते हैं डेट, देखते जाइएगा। ये है 25th of March, नहीं बनी, देखिए लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद में 24th, हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए लो ब्रेक हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए लो ब्रेक हुआ और ये हाई ब्रेक हुआ, मतलब हाई और लो दोनों ब्रेक हुए हमारे 21st of March के। कितने दिन के बाद में, 1, 2, 3, 4। फिर देखिए एक कैंडल देखिए लो ब्रेक किया है, अभी देखते हैं कितनी कैंडल हम लोगों को मिलती है एक महीने के अंदर। 25th, यहाँ पर भी हाई और लो, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ है, हाई हाई हाई, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हाई, लो 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 लो, देखिए कहाँ आ गए हम लोग, 14th of February में आ गए। पूरा मार्च चला गया और आधी फरवरी निकल गई, अभी तक सिर्फ एक फॉर्मेशन मिली है, देखिए हाई यहाँ पर। अब जाकर के पूरे महीने में एक फॉर्मेशन हमको और मिली, समझ में आ रहा है कुछ। ये फॉर्मेशन रेयर होती है, कई बार आप लोगों ने देखा बात करते हुए कि बड़ी रेयर फॉर्मेशन है, बहुत रेयर प्राइस एक्शन बनता है, बहुत कम देखने, ये वो फॉर्मेशन हैं जो एक्चुअल में रेयर होते हैं, बहुत कम मार्केट में देखने को मिलते हैं ये वाले फॉर्मेशन। अभी आपके सामने देखा ना, पूरा फरवरी देखिए खत्म हो गया, पूरी फरवरी में सिर्फ एक फॉर्मेशन मिली है और पूरे मार्च में ये दूसरी फॉर्मेशन है, एक महीने में एक फॉर्मेशन मिल रही है उनको। अभी आईटीसी के ही बैक टेस्ट में एक यहाँ पर मिली और एक यहाँ पर मिली, 2 महीने की चार्ट खत्म हो गया, 2 महीने का चार्ट।
इसीलिए जो फॉर्मेशन अभी हमने आपको बताई है इसको 1 आवर पर देखिए और 1 आवर पर मार्क करिए, 1 आवर पर ही इस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करिए। पूरे वीक आपकी ये प्रैक्टिस चलेगी। आप सेल कर लो, आप भी सही हो, हम बाई करें, हम भी सही है, दोनों लोग सही है और दोनों लोग जस्ट अपोजिट हैं दूसरे के, यही मार्केट है बस। प्रतीक बोलिए। जी प्रतीक सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने जो अभी ये मार्किंग की थी जो भी चार्ट्स पे आपने, उस पे हमेशा आपने मार्किंग की है 12:15 बजे के आसपास, लेकिन अगर आप वही सेम डेट में 9:15 की फर्स्ट कैंडल देखोगे ना, उसके बाद भी तो बेबी कैंडल बनी है, तो आपने 12:15 की कैंडल क्यों मार्क की? अच्छा मुझे ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। आप कोई भी, हाँ LT पे चार्ट देख लो आपने, देखे यहाँ पर जो आपने मार्किंग की 21 तारीख को शायद की थी, 21 तारीख के जो, हाँ 21 की जो फर्स्ट कैंडल बनी है ये 1 आवर चार्ट पे, उसके बाद भी तो ये सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो जी वाली आपने वो फर्स्ट कैंडल, जी तो आपने वो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो क्यों मार्क नहीं किया? आपने यहाँ पर फोर्थ कैंडल का शायद मार्क किया है, थर्ड कैंडल का हाई और लो। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, चलिए हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। जी इसके बाद में हुआ क्या है, हमने आपसे क्या कहा कि जो मेरी मास्क करने वाली कैंडल है वो अपनी रेंज के बाहर नहीं निकलनी चाहिए जब तक कि उसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। यहाँ पर मास्क कौन सी कैंडल की जा रही है पूरी तरह से? ऐसा तो है नहीं कि ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्मेशन फॉर्म होने से पहले मार्किंग करें, फॉर्मेशन फॉर्म होने के बाद ही तो मार्किंग करेंगे। ओके ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं तो एक ये कैंडल बन गई, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब दूसरी कैंडल फाइंड करिए, ये एक कैंडल उनको मिलती है, मदर कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और सेकंड कैंडल की मास्किंग। ठीक है सर, अब समझ में आया। अगर हम फर्स्ट कैंडल को ले रहे हैं तो देखिए, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो गया विदाउट हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल किए बिना ही ब्रेकआउट हो गया। सर ये सेम एग्जांपल आपने शायद एक और चार्ट पे दिखाया था, काइंडली एक बार उस पे भी दिखा दीजिएगा, नाम बताइए। टीसीएस था शायद, TCS था। देखिए यहाँ पर क्या लगता है, हमने इस कैंडल को मार्क किया था जी, ये मदर और ये मास्किंग सर, लेकिन देखिए 24 तारीख को फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड, अच्छा वो तो ब्रेकआउट हो गया था, राइट राइट, इनसाइड बार नहीं बनी थी, ठीक है समझ गया सर। जी सर जी, थैंक यू। ओके और सर एक क्वेश्चन और था, आप बॉडी को रिकमेंड कर रहे हो या विक से भी ब्रेकआउट आप देखते हो? विक से भी हो सकता है, विक से भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा बॉडी ब्रेकआउट दे। नहीं, जो मास्किंग होगी वो आपकी विक से भी हो सकती है। ओके रेयर दिखेगा आपको ऐसा, मतलब क्लोजिंग तो कर ही देगी। क्या क्लोजिंग? समझ गया सर। ओके चलो, थैंक यू। जी अखिलेश जी, नेक्स्ट वीक के लिए 9:15, 3:25 और 1 आवर पर ये मास्किंग, जो दो काम सभी लोगों के लिए सेम होमवर्क है, इसकी इतनी प्रैक्टिस कर डालो ना कि आपको फिर किसी चीज की जरूरत ना पड़े, जरूरत इन द सेंस कि इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। खूब सारी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरह से सिस्टम वर्क करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना। जो भी आपके डाउट होंगे पूरे वीक के आपके चार्ट्स के ऊपर, उसको नेक्स्ट वीक क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? आई होप कि सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू, और अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं।